के इस नक्शे में भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हम अक्सर सुनते हैं कि भारत के इस प्रांत में, भारत के इस स्टेट में 144 धारा लागू हो चुका है ड्यू टू रायत, स्ट्राइक और एग्रेसिव पोजिशन। तो हमारे दिमाग में एक बात जरूर आया होगा, क्यों और कब गवर्नमेंट 144 धारा लागू करता है? क्या ये 144 धारा हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है? और भारत में किसको ये पावर है कि वो किसी प्रांत में 144 धारा लागू करे? या 144 धारा अगर लागू होता है तो किस किस को पनिश किया जाता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में जरूर होगा। तो इसी सवाल के जवाब देने मैं आपके पास आ चुका हूं, आपके वकील। तो दोस्तों, अगर हम लोग सेक्शन 144 सीआरपीसी को जानना चाहते हैं या हम लोग अनलॉफुल असेंबली अंडर आईपीसी को जानना चाहते हैं, सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा आर्टिकल 9 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी के बारे में, जो डील करता है राइट टू असेंबली। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी कहता है, ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव राइट टू असेंबली पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो इसका मतलब यह है कि इंडिया में हर सिटीजन को यह राइट दिया गया है, वो किसी भी जगह पर असेंबल हो सकते हैं, एक गैदरिंग ऑर्गेनाइज कर सकता है ऑन हिज ओन विल, लेकिन वो असेंबल हो एक गैदरिंग में आर्म फोर्स का यूज नहीं कर सकते। इस आर्टिकल के ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है, वो इम्पोज करता है स्टेट फॉर द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट। अगर स्टेट के इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को लगता है कि वो किसी गैदरिंग को, किसी असेंबल को होने से रोक सकता है, तो स्टेट रोक सकता है। जब कोई असेंबली अनटू इंटेंशन से होता है, मतलब किसी जगह पर असेंबली हुआ है और उस असेंबली के होने के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि उस असेंबली के कारण कोई पीपल को, किसी प्रॉपर्टी को, एक पब्लिक ऑर्डर को इंजुरी हुआ है, तो उसे कहा जाता है अनलॉफुल असेंबली। इसका मतलब यह है किसी भी आदमी किसी भी जगह पर असेंबल हो सकता है, लेकिन उसे स्टेट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो उस राइट में रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकता है जब भी सवाल उठता है एक स्टेट के इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी के ऊपर। दोस्तों, हम गांव में कभी ना कभी देखते हैं, गांव का जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होता है, गांव में जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होता है, तब गांव का मुखिया पूरे गांव वालों को लेकर एक जगह पर असेंबल होता है उस मैटर के बारे में डिस्कस करने के लिए, और उन लोगों का उद्देश्य क्या रहता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सबके साथ। लेकिन सोचो, एक गांव में कहीं पर एक असेंबली होता है किसी बारे में डिस्कस करने के लिए, लेकिन ऐसा होता है कि जब असेंबली स्टार्ट होता है तब कंडीशन एकदम पीसफुल रहता है, सब लोग पीसफुली असेंबल होता है, लेकिन असेंबली खत्म होते होते कंडीशन इतना बुरा हो जाता है, लोग हाथापाई करने लगते हैं, लोग एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, तब क्या होगा? तब इसे कहा जाएगा ब्रीच ऑफ एन असेंबली, मतलब अनलॉफुल असेंबली। तो यहाँ पर होगा इंजुरी टू पब्लिक, पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पब्लिक पीस, तो इसे कहा जाएगा अनलॉफुल असेंबली, और इसके खिलाफ स्टेट एक्शन भी ले सकता है। एक बढ़िया केस है जिसका नाम है मोतीदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें सुप्रीम कोर्ट बहुत ही बढ़िया तरीका से इस अनलॉफुल असेंबली को डिस्कस किया है। प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट कहा है, एक अनलॉफुल असेंबली जब भी स्टार्ट होता है वो पीसफुल स्टार्ट होता है, लेकिन ऐसा होता है असेंबली खत्म होते होते कंडीशन बहुत ही बुरा हो जाता है, और इसी असेंबली के कारण पीपल को इंजुरी होता है, प्रॉपर्टी को इंजुरी होता है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, तो इसे कहा जाता है अनलॉफुल असेंबली। तो अनलॉफुल असेंबली के बारे में जानने के बाद हम अब जान लेते हैं व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन अनलॉफुल असेंबली। सो नंबर 1, देयर मस्ट बी एन अक्यूज्ड ऑफ 5 और मोर देन 5 पर्सन, मतलब एक अनलॉफुल असेंबली के लिए हर टाइम 5 एक्यूज का होना जरूरी है। अगर वहाँ पर 4 या 3 एक्यूज होता है तो उसे अनलॉफुल असेंबली नहीं कहा जाएगा। इसके रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसका नाम है धर्मपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1975, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्लियरली कहा है, व्हेन 5 पर्सन आर चार्ज फॉर कमिटिंग एन अनलॉफुल असेंबली एंड 1 और मोर देन 1 पर्सन ऑफ देम आर एक्यूटेड, देन द अदर पर्सन विल नॉट बी कन्विक्टेड बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली unless there are more than 5% left। तो एक अनलॉफुल असेंबली है 5 लोग का, तो 5 लोगों में से 2 लोगों को कोर्ट छोड़ देता है, एक्यूट कर देता है, लेकिन जो 3 व्यक्ति बचता है उसे कोर्ट कन्विक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम सबको पता है एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स है अनलॉफुल असेंबली का कि मस्ट बी एन एक्यूज्ड ऑफ 5 और मोर देन 5%। सो नंबर टू एसेंशियल एलिमेंट्स है देयर मस्ट बी एन कॉमन ऑब्जेक्ट। तो आईपीसी में एक कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एक अनलॉफुल असेंबली के लिए मैक्सिमम 100 लोगों का, 200 लोगों का, 300 लोगों का, 400 लोगों का या 1000 लोगों का जरूरत है, लेकिन आईपीसी में एक क्लियरली लिखा हुआ है कि एक अनलॉफुल असेंबली के लिए मिनिमम 5 लोगों का होना जरूरी है, और उस 5 लोगों का जो ऑब्जेक्ट है वो कॉमन होना चाहिए। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मीनिंग है मीन्स द पर्पस और द डिजाइन टू डू समथिंग, मतलब कुछ करने का पर्पस। तो इसके रिलेटेड एक बढ़िया केस है जिसका नाम है शेख यूसुफ वर्सेस एम्परर 1946। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ए कॉमन ऑब्जेक्टिव इन व्हिच ऑल और मिनिमम 5 पर्सन असेंबल एंड शेयर देयर कॉमन ऑब्जेक्टिव।
तो इसका मतलब यह है कि अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 लोगों का मिनिमम होना जरूरी है और उस 5 लोगों का ऑब्जेक्टिव भी कॉमन होना जरूरी है। नंबर 3, द कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट बी कमिटेड वन ऑफ द 5 इलीगल ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन। तो जो कॉमन ऑब्जेक्टिव होने के लिए 5 इलीगल ऑब्जेक्ट्स में से एक इलीगल ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है जो इस सेक्शन में कहा गया है। तो नंबर 1, टू ओवर द गवर्नमेंट बाई क्रिमिनल फोर्स, मतलब गवर्नमेंट को डराना by doing any illegal act, गोली बारी करना, किसी भी जगह पर गोली बारी करना, लाशों का ढेर बिछा देना, ये होता है one of the illegal object. Number 2 illegal object is this, to resist any execution order. Suppose Supreme Court ने कोई judgment दिया और लोगों को judgment पसंद नहीं आया और लोग क्या किया, लोगों ने एक assemble किया और वहाँ पर public order को disturb किया, तो वो भी आता है एक illegal object के अंदर जो specifically इस section में कहा गया है। Number 3, to commit an offence, वो offence कैसा भी हो सकता है, ऐसा होता है जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है तब वो इलीगल ऑब्जेक्ट के अंडर में आएगा। नंबर 4, फोर्सिवली पोजीशन और डिस्पोजिशन एनीवन फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, किसी भी जगह पर गैदर होकर किसी भी आदमी को उसकी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल देना और किसी के अन्य के प्रॉपर्टी को कैप्चर कर लेना भी इलीगल ऑब्जेक्ट के पार्ट है। नंबर 5, टू कंपेल एनी पर्सन टू डू एन इलीगल एक्ट, मतलब सपोज किसी भी जगह पर एक अनलॉफुल असेंबली हो रहा है और वहाँ पर कुछ ऐसा बात हो रहा है जो एक आदमी के अंदर एनिमिटी ग्रो करता है उसके देश के खिलाफ, उसके कम्युनिटी के खिलाफ, किसी और रिलीजन के खिलाफ, तो वह भी एक टाइप का इलीगल ऑब्जेक्ट है जो इस सेक्शन में कहा गया है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद हमारे दिमाग में एक बात जरूर आया होगा कि अनलॉफुल असेंबली और सेक्शन 144 सीआरपीसी का क्या रिलेशन है। दोस्तों, सेक्शन 144 और अनलॉफुल असेंबली का एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो पहले इंट्रो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे, उनमें से एक क्वेश्चन है, कब गवर्नमेंट 144 धारा किसी भी जगह पर किसी भी स्टेट में लागू कर सकता है। जब अनलॉफुल असेंबली किसी भी जगह पर होता है, तो अनलॉफुल असेंबली मतलब किसी भी जगह का पीस डिस्टर्ब हो जाता है, पब्लिक ऑर्डर एकदम नास्तनाबूद हो जाता है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होता है, तभी 144 धारा लागू होता है। तो सेक्शन 144 सीआरपीसी क्या है? सेक्शन 144 सीआरपीसी में डायरेक्टली कहा गया है, पावर टू इश्यू एन ऑर्डर, कब, जब किसी भी जगह पर न्यूसेंस होता है और वो न्यूसेंस ऐसा होता है जो पब्लिक के अंदर एक डेंजर, एक भय क्रिएट करता है, तभी 144 धारा लागू किया जाता है। तो यहाँ पर एक और सवाल अराइज होता है कि 144 सीआरपीसी जो धारा लागू होता है, क्या वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है? नहीं, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं करता है, क्योंकि आर्टिकल 19 कहता है राइट टू असेंबली, लेकिन स्टेट हैज़ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ओवर राइट टू असेंबली। अगर किसी भी जगह पे कोई असेंबली होता है और उस असेंबली से किसी आदमी को इंजरी होता है, किसी प्रॉपर्टी को इंजरी होता है, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, तो स्टेट हैज़ द राइट टू टेक रिस्ट्रिक्शन। सो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं करता है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल आ रहा है, कौन कौन धारा 144 इशू कर सकता है? तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड होता है बाई द स्टेट, हैज़ द अथॉरिटी टू इशू सेक्शन 144 सीआरपीसी। यहाँ पर और एक सवाल आता है, जब भी 144 धारा किसी भी एरिया में लगता है तो किसी किसे पनिश किया जाता है? तो सेक्शन 144 धारा में डायरेक्ट कहा गया है, 5 लोग किसी भी जगह में असेंबल करना कानूनी दंडनीय है। सपोज किसी भी एरिया में 144 धारा लागू है और 5 से ज़्यादा व्यक्ति एक जगह पर बैठ कर असेंबल करता है और पुलिस ये सब देख लेता है, तो पुलिस हैज़ द राइट टू अरेस्ट ऑल दोज 5% और मोर देन 5%। तो अब जान लेते हैं पनिशमेंट, अगर कोई किसी भी जगह पर अनलॉफुल असेंबली करता है तो उसे क्या क्या पनिशमेंट मिलता है। तो सेक्शन 142 आईपीसी के माने तो अगर कोई व्यक्ति किसी भी जगह पर अनलॉफुल असेंबली करता है तो उसे 6 महीने का जेल विद फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। और सेक्शन 143 आईपीसी कहता है, अगर कोई व्यक्ति कोई अनलॉफुल असेंबली करता है बाई यूजिंग आर्म फोर्स, 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है और उससे फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। सो दोस्तों, एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेक्शन 144 सीआरपीसी एंड अनलॉफुल असेंबली एक दूसरे से कनेक्टेड है। सेक्शन 133 सीआरपीसी डील्ड विद द अनलॉफुल असेंबली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सेक्शन 144 एंड सेक्शन 133 सीआरपीसी हैज द पावर टू होल्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन ऑल द राइट्स अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। फ्रेंड, होप यू लाइक द वीडियो। If you like the video, do like, share, subscribe, and hit the bell icon for another videos.